बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
आनंद माधव हरि हरि बोल। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निश दिन तुम, हरि का नाम जपो निश दिन, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम हमारा फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम नावे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं हरि नाम नहीं तो जीना क्या। Thank you.
से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नयावे। आभूषण से अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नयावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, अपने भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। पालन करता भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालन करता है, अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं, सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं, और संकट के एक क्षण में जब भी कोई भक्त भक्त परायण विष्णु भगवान को पुकारता है, तो एक क्षण मात्र का विलंब किए बिना भी दौड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं। तो आइए भक्तजनों, गज और ग्रह की इस पावन कथा को सुनते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। जब भक्तों पे संकट आया, जब भक्तों पे संकट आया, दूर किए भगवान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का सुंदर। वो रहता पर्वत ऊपर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर। झुंड के बीच में चलता, मस्ती में झूमता रहता, विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता। विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता। जंगल के सारे जीवों का, जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु।
वाला गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था। दिन में खेलता, खाता, मस्त रहता और सुबह शाम आठों याम भगवान को याद करता रहता था। भगवान विष्णु को वो अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर से सरोवर के नजदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतरकर पानी पानी खेलने लगा। वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंक कर बड़े ही मजे से खेल रहे थे। झुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी, शाम थी बड़ी सुहानी। गज के पाँव को घसीटा मुँह में लेके, ग्राह ने गज के पाँव को घसीटा मुँह में लेके। गज का पाँव जब ग्राह ने पकड़ा, गज का पाँव जब ग्राह ने पकड़ा, हुए सभी परेशान। करूँ मैं विष्णु का गुणगान, करूँ मैं विष्णु का गुणगान, बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल ऋषि के श्राप से तालाब में मगरमच्छ बन गया था। वो मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर गहरे पानी में खींचने लगता है, जिसे देखकर हाथियों का झुंड परेशान हो जाता है। मगर चूंकि पानी बहुत गहरा होता है, इस वजह से चाहकर भी कोई गज की मदद नहीं कर पाता है। ग्रह और गज के बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर ग्रह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं लेता। वो बलपूर्वक गज को पानी के अंदर खींचता है और गज का आत्मविश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है, तो वो हरि को पुकारता है और क्या कहता है। ग्राह ने जोर लगाया, पाँव में दांत गड़ाया, हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, पी के गजराज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर। पी के गजराज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर। श्री हरि को तब गज ने पुकारा, श्री हरि को तब गज ने पुकारा, संकट में थे प्राण। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। प्रिय भक्तों, ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होती है और ये लड़ाई 6 महीने तक चलती है। ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है
और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है। अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा, तो वो भक्त वत्सल भगवान विष्णु को करुणा भाव से पुकारता है और क्या कहता है, आइए सुनते हैं। प्राण संकट में पाकर गज ने विष्णु को पुकारा, विष्णु जी दौड़े आए चक्र से ग्रह को मारा। जनों, भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं। और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते। और इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी जी कहते हैं, अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, तेरी पूजा रचाऊं जीवन में मंगल होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना
कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, चरण में आते हैं, तेरे चरण में आते हैं, हम हैं बालक तेरी चरण में तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, निश्चल गुजरे ये जीवन, निश्चल गुजरे ये जीवन, रंग लगे नहीं कपट झूठ का हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन, सेवा में तेरी ओ मेरे स्वामी भक्ति भाव अर्पण होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कर्मों को करते रहे हम सच की राह दिखा देना, सच की राह दिखा देना, विचलित यदि मन हो जाए तो
पाप से हमें बचा लेना, पाप से हमें बचा लेना, पाप से हमें बचा लेना। अंत समय जब आए तो प्रभु दाव मुक्त दर्पण होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओम 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन् नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तेरे चरणों का दास बनूं तेरे चरणों का दास बनूं इस पूजक की
एक एक रग का भरतार तुम्हारे हाथों संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं निष्काम भाव से कर्म करूं फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों
सारी तेरी बीती उमरिया सारी, पल की खबर नहीं ओ पल की खबर नहीं। रिश्तेदार सारे यहाँ मतलब के यार हैं, मतलब के यार हैं। क्यों मुँह लगाना ये तो झूठा संसार है, झूठा संसार है, झूठा संसार है। रिश्तेदार सारे मतलब के यार हैं, क्यों मुँह लगाना ये तो झूठा संसार है। प्रभु नाम से प्रीत लगा ले, प्रभु नाम से प्रीत लगा ले, पल की खबर नहीं ओ पल की खबर नहीं। सच्चा इंसान है, सच्चा इंसान है वो, सच्चा इंसान है। नाम पियाला जिसने पिया वो महान है, पिया वो महान है जो, पिया वो महान है। पर उपकार करे जो सच्चा इंसान है, नाम पियाला जिसने पिया वो महान है। उसकी सतगुरु कर रखवाली, उसकी सतगुरु कर रखवाली, पल की खबर नहीं ओ पल की खबर नहीं। प्यारा तन ये तेरा प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है। माया धन सुख में तूने नाम को भुलाया है, नाम को भुलाया है, नाम को भुलाया है। कितना प्यारा तन ये तेरा प्रभु बनाया है, माया धन सुख में तूने नाम को भुलाया है। गुरु शरण अभूल सुधारी, गुरु शरण अभूल सुधारी, पल की खबर नहीं ओ पल की खबर नहीं।
कांड सारे बिना नाम के बेकार है। हरि नाम को तू अपना ले, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। हरि नाम की माला जप ले, हरि नाम की माला जप ले, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। महाभारत करवाया, कृष्ण ने धर्म ध्वजा लहराया। जान
सुनते हैं सब लोग ये बातें सारी वेद पुराण की जानते हैं सब लोग ये बातें सारी वेद पुराण की जय विष्णु भगवान की जय जय विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान की जय जय विष्णु भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे राज रावण को मार के संतों का उद्धार किए धरती का संताप मिटाने राम जी का अवतार लिए राक्षस राज रावण को मार के संतों का उद्धार किए राम प्रभु मर्यादा सिखलाए सबके दिल में राम समाए निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जान की वचन निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जान की जय विष्णु भगवान की जय जय विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान की जय जय विष्णु भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिए ये जमाने को नरसिंह रूप की धारण प्रभु भक्त की जान बचाने को भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिए ये जमाने प्रभु जी हिरण्यकश्यप को मारे परम भक्त प्रह्लाद को मारे निराली मेरे प्रभु के आन बान और शान की बात निराली मेरे प्रभु के आन बान और शान की जय विष्णु भगवान की जय जय विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान की जय जय विष्णु भगवान की सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे वासुदेवाय। अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। पालनकर्ता भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं और संकट के क्षण में जब भी कोई भक्त भक्त परायण विष्णु भगवान को पुकारता है तो एक क्षण मात्र का विलंब किए बिना भी दौड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं। तो आइए भक्तजनों गज और ग्राह की इस पावन कथा को सुनते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। तो
करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, जब भक्तों पे संकट आया, जब भक्तों पे संकट आया, दूर किए भगवान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, गजराज था सुंदर, वो रहता पर्वत ऊपर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर, प्रेम करते थे उससे सभी जंगल के जानवर, झुंड के बीच में चलता, मस्ती में झूमता रहता, विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता, विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता, जंगल के सारे जीवों का, जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, भाला गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था। दिन में खेलता खाता मस्त रहता और सुबह शाम आठों याम भगवान विष्णु को याद करता रहता था। भगवान विष्णु को वो अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर से सरोवर के नजदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतरकर पानी पानी खेलने लगा। वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंक कर बड़े मजे से खेल रहे थे। झुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी, शाम थी बड़ी सुहानी, सूंड में पानी लेके एक दूजे पे फेंके, ग्राह ने गज के पांव को घसीटा मुंह में लेके, गज का पांव जब ग्राह ने पकड़ा, गज का पांव जब ग्राह ने पकड़ा, हुए सभी परेशान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान,
एक बड़ा ही सुंदर गंधर्व जो देवल ऋषि के शाप से तालाब में मगरमच्छ बन गया था, वो मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर गहरे पानी में खींचने लगता है, जिसे देखकर हाथियों का झुंड परेशान हो जाता है। मगर चूंकि पानी बहुत गहरा होता है, इस वजह से चाह कर भी कोई ग्राह की मदद नहीं कर पाता है। ग्राह और गज के बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर ग्राह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो बलपूर्वक गज को पानी के अंदर खींचता है और गज का आत्मविश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है तो वो हरि को पुकारता है। ग्राह ने जोर लगाया, पांव में दांत गड़ाया, हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, पी के गजराज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर। श्री हरि को तब गज ने पुकारा, श्री हरि को तब गज ने पुकारा, संकट में थे प्राण, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। ये लड़ाई 6 महीनों तक चलती है। ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है। अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा, तो वो भक्त वत्सल भगवान विष्णु को करुणा भाव से पुकारता है और आगे क्या होता है। प्राण संकट में पाकर गज ने विष्णु को पुकारा, विष्णु जी दौड़े आए, चक्र से ग्राह को मारा। ग्राह गंधर्व बन गया, हरि की शरण में आया, हरि को पिछले जन्म की वो सारी बात बताया। दोनों को वैकुंठ मिले, दोनों को वैकुंठ मिले, विष्णु ने दिया वरदान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते। और इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी कहते हैं कि अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम नमः
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है, तब तब श्री हरि विष्णु जी ने अलग अलग रूपों में अवतार धारण कर भक्तों को पापों संतापों से मुक्त किया है। उनके प्रमुख अवतार हैं भक्तों, मत्स्य अवतार, वरा अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, राम अवतार व कृष्ण अवतार। परंतु आज मैं आपको उनके मोहिनी अवतारों की दो प्रमुख संगीतमय कथाएं सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको ज्ञात होगा कि क्यों और कैसे श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किए और कैसे देवों का रक्षण किया। तो एक बार बड़ी श्रद्धा के साथ प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की। कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। मोहिनी के रूप ने तो भक्तों को अपने तारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा, कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। पहली कथा सागर मंथन की है भक्तों। देव और दानव मिलकर सागर मंथन कर रहे हैं। मंथन से 14 रत्नों के साथ साथ वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश भी लेकर निकली, जिसे पाने को देव और दानव आपस में भिड़ गए थे। भक्तों, दानव अधिक बलशाली थे, सो अमृत कलश लेकर भाग निकले। सभी देवी देवता श्री हरि नारायण की शरण में आए और अमृत कलश वापस लाने की गुहार करने लगे। भला अपने भक्तों की पुकार देवा नारायण कैसे ना सुनते। उन्होंने मन ही मन एक युक्ति सोची। हे श्री हरि नारायण, विपदा हरो हमारी, अमृत को ला दो वापस, हम हैं शरण तुम्हारी, अमृत को ला दो वापस, हम हैं शरण तुम्हारी। हमको तो आपका ही हे हरि तो है सहारा, भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया भक्तों, और पहुंच गए असुरों के सन्मुख। उनके अतुलित सौंदर्य को देखकर सभी असुर कामातुर होकर उससे विवाह करने हेतु लालायित हो उठे। मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा, जो उनकी ताल से ताल मिलाकर नृत्य करेगा वो उसी के संग विवाह करेंगे। सारे असुर अमृत कलश को भूल उनकी ताल में ताल मिलाकर नृत्य में मगन हो गए भक्तों। और इसी में अवसर देखकर मोहिनी रूपी श्री हरि विष्णु ने अमृत कलश उठाया और अंतर्ध्यान हो गए, तथा देवों के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें अमृत पान करा, उन्हें अमरत्व प्रदान किया। मोहिनी
माने नारायण असुरों को था नचाया। अमृत कलश उठाया देवों को था पिलाया। अमृत कलश उठाया देवों को था पिलाया। मोहिनी के रूप ने ही सभी देवों को था तारा। मोहिनी अवतार की दूजी पावन कथा भगवान शिव से संबंधित है। भक्तों, दैत्य भस्मासुर ने भगवान शिव का कठोर तप किया और जब भगवान शिव उसे वरदान देने आए तो पहले तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। जब भगवान शिव ने इसे नीति स्वरूप न बताया तब उसने वरदान मांगा, हे भोलेनाथ, मैं जिसके सिर पर हाथ धरूं वो तत्काल भस्म हो जाए। भोले शंकर तो भोले हैं भक्तों, तत्काल प्रभाव से तथास्तु कह दिया। जैसे ही तथास्तु कहा तो वो असुर अपने वरदान को प्रमाणित करने हेतु भगवान शिव के सिर पर ही हाथ धरने के लिए उनके पीछे पीछे भागा। भगवान भोले शंकर आगे आगे भाग रहे हैं और असुर पीछे पीछे। भगवान भोलेनाथ भाग कर श्री हरि की शरण में आए और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार करने लगे। भस्मा असुर से बच के विष्णु शरण में आए। भस्मा असुर से बच के विष्णु शरण में आए। भोले शिव को तो बचाने मोहिनी का रूप धाए। गए भस्म असुर के सन्मुख शिव का बने सहारा। कैसे श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारा। भस्म असुर मोहिनी का अतुलित सौंदर्य देखकर भ्रमित हो गया भक्तों और उससे विवाह करने हेतु आतुर हो गया। मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा कि यदि वो उसकी ताल में ताल मिलाकर नृत्य कर सकता है तभी वो उससे विवाह करेंगी। असुर तत्काल तैयार हो गया। फिर क्या था, जैसे जैसे मोहिनी नाचती असुर उसका अनुसरण करता रहता। नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ अपने ही सर पर रखा भक्तों। असुर ने भी उनका अनुसरण करते हुए वैसा ही किया और भगवान शिव के अवतार के अनुसार अपने सिर पर हाथ रखते ही वो तत्काल प्रभाव से भस्म हो गया और इस तरह भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप ने भगवान शिव शंकर के प्राणों की रक्षा करी। भगवान भोले शंकर ने श्री हरि नारायण के चरणों में नतमस्तक हो उनकी जय जयकार करी। तो आप भी भक्तों भगवान श्री हरि नारायण की जय जयकार कीजिए। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की जय। मोहिनी का रूप धर के पापी असुर संघारा। शिव जी के प्राण राखे उनका बने सहारा। शिव जी के प्राण राखे उनका बने सहारा।
गगन तिलक ने भक्तों श्री हरि का नाम उचारा।